तो हाउसफुल का भाई नेक्स्ट पार्ट है, लास्ट में भाई वो अन्ना जो है वो भी आ रहा है और पापा भी आ रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। प्ले करें? हाँ यार यार प्ले प्ले करो। करो। तुमने मेरे बारे में झूठ क्यों बोला अपने भाई को? नीदर एम आई रिच, ना मेरे पास कोई अच्छा बंगला है ना घर है, हाँ किस बात के लिए झूठ बोला? एंड यू नो वो यहाँ आने वाले हैं, उनको सब कुछ पता चल जाएगा सच सच, फायदा किस बात का? मैं तो बोलता हूँ उनको फोन करके बता देते कि सच क्या है। व्हाई लाई? यू आर राइट। वेयर आर यू टेकिंग मी? बॉब कम हियर। आरुष ये है अन्ना, मेजर कृष्णराव, हेड ऑफ इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस। और अन्ना ये है मेरी बॉयफ्रेंड आरुष। फिलहाल जॉबलेस है, लेकिन वैसे बहुत अच्छी जॉब है, पनौती की नौकरी करते हैं कैसीनो में, और आरुष इनके घर में रहते हैं, और ये फूल वाले सोफे पे सोते हैं। शादी के बाद मैं कारपेट पे सो जाऊंगी, नो प्रॉब्लम। अन्ना मैं आरुष से शादी करना चाहती हूँ, फिलहाल नहीं कर सकते क्योंकि ये शादीशुदा है, लेकिन डिवोर्स के बाद कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। अन्ना अच्छा लड़का चुना है ना मैंने? अन्ना आशीर्वाद दूँ ना? अन्ना आर यू अशेम्ड ऑफ मी? आरुष आई लव यू, लेकिन एक भाई के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना, मैं उन्हें ये सच कैसे कह सकती हूँ? क्यों, अगर तुम उन्हें सच बोलोगी तो क्या हो जाएगा? वो मुझे गोली मार देंगे। आरुष ही विल किल यू। गाइस 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 लुक, जस्ट डोंट स्ट्रेस ओके। शादी तुम्हारे अन्ना कब आने वाले हैं? 14 तारीख को। और जाएंगे कब? 16 तारीख को। और पप्पा आ रहे हैं 17 तारीख को। परफेक्ट, हम लोग एस्टेट एजेंसी को फोन करके लंदन का सबसे शानदार हाउस हायर पे ले लेंगे। पहले सैंडी के अन्ना आएंगे, सोचेंगे कि आरुष का घर है, आरुष से इंप्रेस होकर चले जाएंगे। 17 तारीख को पापा आएंगे, सोचेंगे कि तुम्हारा घर है, तुमसे इंप्रेस होकर चले जाएंगे। पापा खुश, अन्ना खुश, हम खुश। तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। जिस झूठ से किसी का घर बसता हो वो झूठ झूठ नहीं होता। What a super plan! ये कौन है? इस घर की मालकिन जुलेखा मैम और उनके 3 करोड़पति। करोड़पति? उनके मरहूम पति जो उनके लिए करोड़ों छोड़ गए। सुलेखा मैम का दिल बूढ़े करोड़पतियों के लिए बहुत धड़कता है, पर बदकिस्मती देखो सुहागरात को ही 3 गुजर गए। ये तस्वीरें उतारनी पड़ेंगी। आप किसकी इजाजत से ये तस्वीरें उतारने की बात कर रहे हैं? ये विधवा स्लो मोशन में क्यों चल रही है? आपकी तारीफ। मैम वो मैंने आपको बताया था ना, नए किराएदार। हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुमने बताया ना कि हम घर सिर्फ शादीशुदा लोगों को देते हैं, राइट? आप लोग शादीशुदा हैं? You are married, right? What? हाँ हाँ हम शादीशुदा हैं। तब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट, कहाँ दस्तखत करने? कम ऑन। भाभी जी झूठ। क्या फर्क पड़ता है, जा रही है। और जिस झूठ से किसी का घर बसता है वो झूठ झूठ नहीं होता। प्लीज आरुष। ऐसा कहाँ लिखा है? झूठा ही बना दिया मुझे। कौन से टर्मिनल पे आ रहे हैं? 3। ओके। नहीं नहीं 4। नहीं 3। सैंडी व्हाई आर यू सो स्ट्रेस्ड? सी अन्ना वैसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब वो किसी को झूठ बोलते पकड़ ले तो उसकी बहुत बुरी हालत कर देते हैं। अन्ना का ट्रिप पोस्टपोन हो गया, वो नहीं आ रहे। क्या नहीं आ रहे? नहीं, अभी तो। लेकिन घर का तो 3 दिन का भाड़ा दे चुके हैं। जय श्री कृष्णा। कृष्णा? कृष्णा तो अन्ना का नाम है। अरे अन्ना जी आ गए। ऊपर फूल हजारी बटुक पाए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।
वेलकम सर, वेलकम। धारवा करता बेटर लागे। झाड़ से बेटर लगता हूँ। ना ना, जैसे मैंने सोचा था उससे काफी अच्छे लगते हो। ओके। गुजराती आवड़े छे? थोड़ी थोड़ी आती है। ऐसे पाप नहीं। चल, चल। पापा? पापा? सैंडी का भाई अन्ना हितल का बाप है। तो सैंडी हितल की बुआ? पापा, पापा कट्टे छे, बात नहीं करोगे? कृष्णा राव जी। कृष्णा राव? पटुक पटेल? पापा? पटुक पटेल? हाँ पापा। आप 17 तारीख को आने वाले थे ना? उससे रहा नहीं गया, तुम्हें चलाया दामाद जी। दामाद जी? पापा आमरो पति ना थी? अरे अभी तो तुमने अंदर कहा कि ये तुम्हारे पति है। आतरो पति ना थी? ये मेरे पति नहीं है, पति परमेश्वर है। पति परमेश्वर है। इस नाची को बहुत पसंद है। नमो निये जी। लीला 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 बेन नमस्ते। बहनों आपके दुश्मन हमें तो सुलेखा बाई है। इस बेधर दुनिया में मैं बिल्कुल अकेली हूँ और आप? रंडवा। ओके सुलेखा जी, बाय बाय। बाय बाय क्यों? पापा सुलेखा जी जा रही है। अरे जाए हमारे दुश्मन, आपके वालिद आए हैं, इनका ख्याल वालिद कोई तो होना चाहिए ना। आप एक काम कीजिए, आप हमारे साथ ही रहिए, इसे आपका घर ही समझिए। मुझे मैं समझती हूँ। मैं वही सोच रहा था कि आप अभी तक हकलाए क्यों नहीं। खैर छोड़िए, अंदर तो आइए ना। चलो। नहीं नहीं नहीं, पहले मैं मेरे नाते से मिलूंगा। नाते को बुलाओ। वो वॉक पे गया पापा। इतनी छोटी उम्र में वॉक करता है? आया है ना साथ में। तो आया को फोन लगाओ ने। और बोलो झूठ लगाओ। हेलो आया? नहीं कैंसिल हो गया, अब पता नहीं कब आ रहे। आ गए मेरे पापा। ओ शिट। अरे नौकर साथे है, हम बात ना था मना फोड़ा आप दिस। ए आया, मेरी नाती को जल्दी लेके आओ। आया? क्या वो तेरे बाप का नाती है क्या? हाँ आ गया। जल्दी लेके आओ, ऐसे बात करते ले। पापा आ गए। पापा आ गए? लेकिन पापा तो 3 दिन बाद आ रहे थे। बच्चा मार रहे। बच्चा अभी ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। बच्चा कहाँ से लो? दामाजी कौन जी? आपकी बेटी है वो? अरे बाजू वाली। वो अपनी लैंडलेडी। दारू गर्म थी? नहीं मारो घर छे, मेरे मेरे घर है। तो लैंडलेडी? पूरे लंड में इनके जैसे कोई लेडी नहीं है। साची बच्ची। पापा ने, पापा ने, पापा, पापा, पाए लागू पापा, केम छो? जीते रहो। दामाजी आदाब। दामाजी आ कौन छे? दामाजी? ये घर में खाना बनाता है, ये। रसोईया? लेकिन इतने अच्छे कपड़े? यहाँ सब कुक कैसे ही कपड़े पहनते हैं। इंग्लिश कुकर? हाँ कुकर कुकर। दामाद जी ये क्यों हकला रहा है? हकलाते तो तुम हो ना। जब मालिक हकलाता तो नौकर भी हकलाता है, क्योंकि ये मेरी इज्जत करता है इसलिए ये भी हकलाता है।
लेकिन तुम तो सिर्फ एक ही बार हकलाया अभी तक। साले में वो डेविड आईडी बना पड़ा है। हलवा खाओगे? आप खाओगे? नहीं ठीक है। मैं बेबी को लेकर आप नाती तो कैसे आया? नाती तो अभी दे नाती काला। आप ऐसे कैसे कह सकते हो पापा? काले गोरे का जमाना गया। दबाजे जी, ये कैसे हो गया? क्योंकि मेरी दादी अफ्रीका से। अफ्रीकन जी? ओ जावे हे अलवा कलवा 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 अलवा कलवा। ठीक है ठीक है, बच्चे का नाम क्या है? राहुल। रोहन। अरे मारू राहुल राजेश रोहन राज। काला छे तो भूतवाला छे तेरे 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 जाने वाले। अब बच्चे के साथ कब तक खेलते रहेंगे? हाँ चलिए मैं आपको आपका बेडरूम आइए बीबी को मुझे बुढ़ी में समझे वो मिटो से गुलाब जामुन। वाह 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 यार, ये जो कंफ्यूजन अब हो रहा है ना, बहुत मजा आ रहा है यार इनको ये देखकर। मतलब एक दूसरे को झूठ बोल के फंसा रहे हैं यार। वो बोलती है कि ये आया है, ये बीवी है, ये पति है, बुढ़े को सीआईडी बना पड़ा है पूरा, अफ्रीकन है, ये हकलाता नहीं है, और वो जो नई आंटी आई है विधवा उसको गद्दर में मुझे याद है दिखा रहा, सकीना की माँ बनी थी, यहाँ ऐसी अदाएँ दिखा रही है, आपके वालिद है, ऐसी उर्दू भाई प्योर उर्दू बोल रही है, बड़ा मजा आ रहा है आज यार, मजा आ गया सच में यार। क्या इनकी जो कॉमेडी थी ना भाई, एक दूसरे को भाई, अभी तो राजीव भाई इसका पति बन गया, वो उसका पति, ये नौकर ही हकलाता है, तुम तो हकला दे नहीं है भाई, और हमारा राजीव भाई ऐसे हकला रहा है भाई, हमें ये आ गई ऐसे कर रहा है भाई, आज मजा आ गया भाई। उलझन है ना पूरे की पूरे, हमारे की दिमाग की बत्ती फ्यूज हो गई है। नाती को देखा तो बोला आज तुम तो सावले हो, ये तो काला डामर का करा है भाई, इन लोगों ने हंसा हंसा कर पागल हो गया भाई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है भाई, गजब हो गई। जो चिपकू है ना भाई, ये माँ जी बड़ी, इसको भाई पास्ता चाहिए, वो भी चिपकू है, मजा आ गया। मैं जोकिंग ऐसा भाई करता काम कमरे में दोस्तों मिलेंगे भाई, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट। हाँ वो भी हरामी लड़की है, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट दोस्तों। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।